बदले हालातों में जम्मू कश्मीर के छात्रों की भी उम्मीदें कुलांचे भर रही हैं। यहाँ पर सद्भावना मिशन के तहत जयपुर आए हैं। मच्छल और आसपास के गांव के लोग हैं, जो ये इलाका है जो बिल्कुल LOC पर है, और वहाँ से दौरे अमन के बैनर पर ये यहाँ पर सेना के साथ आए हैं। छात्र जो राजस्थान को जान रहे हैं, यहाँ पर रोजगार पर जानकारियाँ ले रहे हैं, इनके मन में भी एक उम्मीद है, एक आशा है कि जिस तरह का विकास भारत के दूसरे हिस्सों में हुआ हो, वहाँ जम्मू कश्मीर में भी हो। इनसे बातचीत करते हैं, कई छात्र हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम लोन नसरुल्ला है। क्या देखा आपने राजस्थान में? मेहरानगढ़ फोर्ट देखा सर, उमेद भवन पैलेस देखा, साइंस पार्क देखा, माचिया सफारी पार्क देखी और दरगाह देखा सर। यहाँ और वहाँ में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है सर। क्या वहाँ ये जो मैंने मुझे यहाँ देखने को मिली वो सर वहाँ नहीं है। अगर विकास की बात करें तो यहाँ और वहाँ में कितना अंतर है? बहुत है सर, बहुत है। आपका नाम क्या है? जी सजाद अहमद। ये बताओ कि मच्छल किस तरह का इलाका है, और यहाँ जो आप लोगों ने देखा तो क्या लगा कि वहाँ भी इन चीज़ें होनी चाहिए? जी होनी चाहिए, मच्छल तो सेक्टर है, हमें क्या कश्मीर में जो कश्मीर डेवलप पढ़नी है, यहाँ पर डेवलप पढ़ाई करना चाहते हो? जी। बाहर निकलकर? जी। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर है मैं। डॉक्टर बनना चाहिए। कश्मीर के एक जो उम्मीद है छात्रों की, नया इंस्पिरेशन है कि वो कुछ बनना चाहते हैं। जो मेजर साहब हैं उनसे बातचीत करते हैं, मेजर कविया हैं, कि क्या किस मिशन के तहत आप यहाँ आए हैं? ओके, मेरा नाम मेजर दीपक कविया है, मैं राष्ट्र राइफल से हूँ, जो कि मच्छल ब्रिगेड में डिप्लॉय हैं। ये जो टूर आया है ये मच्छल वैली से जो गांव है, जो कि LOC से 10 से 15 किलोमीटर के अंदर हैं, उन गांवों से बच्चे आए हैं। ये तकरीबन 20 बच्चे और 2 सिविल टीचर हैं, और इस टूर का जो एम है वो आप पीछे बैनर पे दे सकते हैं, दौराए अमन, तालीम और तरक्की, यानी कि अमन की राह पे चलें और साथ साथ में शिक्षा और तरक्की से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हम ज्ञान करते जाएंगे। इसका जो एम है टूर का वो है इन बच्चों को एक्सपोजर दिलाना है, बाकी जो राजस्थान का रिच हिस्ट्री और कल्चर है उसके बारे में बताना है, एजुकेशन डेवलपमेंट के बारे में बताना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बताना है, और वो बहुत सारी चीज़ें जो मच्छल वैली में नहीं है और यहाँ पे अवेलेबल है उनके बारे में बताना है। सेना की एक पहल है कि किस तरह से कश्मीर के जो लोग हैं उनको भारत के बाकी के लोगों के साथ जोड़ा जाए, जो उम्मीदें हैं कश्मीर के लोगों की, उस उम्मीद को कैसे पंख लगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सजाद अहमद है। क्या करते हैं? पढ़ाई करता हूं सर। पढ़ाई करते हैं सर। क्या बनना चाहते हैं? सर फौज में जाना चाहता हूं। फौज में जाना चाहते हैं सर। ये कश्मीर के छात्र हैं जो बड़ा होकर फौज में जाना चाहते हैं। ये एक उम्मीद दिखाती है कि किस तरह से यहाँ पर जो लोगों की उम्मीदें हैं। कुछ और भी छात्र हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जाकिर नजीर तांत्री। क्या राजस्थान में देखा आपने? राजस्थान में देखा उमेद भवन फोर्ट, उमेद भवन और मेहरानगढ़ फोर्ट और अजमेर और ये माशिया पार्क और आर के मार्ग, ये जयपुर में देखा। आर के मार्कल भी देखा आपने जयपुर? यस सर। ये एक होटल प्रबंधन संस्थान है जहाँ पर जो है छात्र ट्रेनिंग भी ले रहे हैं होटल प्रबंधन का। उनसे बहुत सारे छात्रों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मंजूर अहमद हरी। आपने यहाँ पर क्या सीखा? सर सीखा बहुत कुछ है सर, मैंने देखा बहुत कुछ। होटल प्रबंधन के यहाँ पर आपको ट्रेनिंग के लिए लाया गया है, क्या यहाँ पर सुबह से आपने देखा सीखा? सर बहुत कुछ सीखा सर, बहुत भी देखा सर, अच्छा था, बहुत ही अच्छा। आपका क्या नाम है? जाकिर हुसैन शेख। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर। किस क्लास में? 12th में सर। क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? सर मैं फौज में जाना चाहता हूँ। फौज में जाना चाहते हैं। ये एक कश्मीर के, जम्मू कश्मीर की एक हकीकत है कि जो लोग यहाँ देख लें एक बार किस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो भी उस इलाके से आए हैं जो बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है, LOC है, जहाँ पर गोलीबारी होती रहती है, लेकिन ये छात्र जो हैं फौज में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। ये एक उम्मीद है जो जम्मू कश्मीर से उठी है, और लोगों को देखना चाहिए कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग भी देश की सेवा के लिए उतने ही तत्पर हैं जितना देश के बाकी हिस्से के लोग हैं। और यहाँ आकर ये कह रहे हैं कि जो हमने विकास की गंगा देखी है भारत के दूसरे हिस्सों में, राजस्थान में, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी वैसा ही विकास हो।
कैमरा में निखिल के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।